Hello. So let's start. So we have departed from the halt और अभी हम लोग एरोली में ही है. सो एक शॉर्ट ब्रेक हमने लिया अभी चाय का, और अभी चाय पीने के बाद हम लोग निकले हैं टुवर्ड्स आवर होम. बेसिकली तीनों चेंबूर से ही है तो एंड तक साथ में रहेंगे. नहीं, एक ही है, दूसरा रिटर्न के वो पहला रिटर्न किया था. तो ये जो दो यूनिट दिख रहे हो क्या दिख रहे? कौन सा? ये कैमरा के ऊपर एक कपड़ी जैसा लगा रहा है. वो माइक का है. अच्छा, दोनों माइक का था. हाँ हाँ हाँ, वायरलेस माइक है ना. यानी अगर आप इधर हो और ये जो डब्बा है वो उधर भी होगा ना बिल्डिंग में, तो ये पकड़ेगा. ऑलमोस्ट 250-300 मीटर का है इसका रेंज. अभी से संभालने को टाइम तो लगेगा थोड़ा मेरे को. साइकिलिंग के लिए कौन सा बेस्ट सेटिंग है? नहीं, थोड़ा विंड का आवाज़ बहुत आएगा ना. अभी कैसा हवा आ रहा है अपनी तरफ, तो हवा का आवाज़ आएगा. अभी हल्का सा मैं डेसिबल कम किया, अभी देखता हूँ शायद सही है. वो थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग राइड्स लगेंगे. मैं पहले सिग्नल से राइट लिया, फिर टोल नाके के आ गया. मैं बोला अभी मिलेंगे अभी मिलेंगे. मैं ऐसा ना हो कि मुझे अलग से रूट लेना पड़ जाए. हाँ, ये माइंड स्पेस डाला तो मतलब यहाँ से सीधा सीधा माइंड स्पेस का ही रास्ता है. हाँ, राइट लेके तो आगे जाते हैं. वो लोगों का आप कुछ बोल रहे थे, लोगों का मैंने बोल रहा था ना. हाँ, चलेगा. यानी मैंने क्या किया, ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, लेकिन क्या वो प्रॉपर वो टीपीटी दिखता नहीं उसमें. क्या कहीं भी डालना तो टीपीटी दिखे तो समझ है. हाँ, टीपीटी का है. क्या लोगों को पता होगा तो ही तो मालूम पड़ेगा ना क्या भी ऐसा साइकिलिंग का ग्रुप है. मेरे ऑफिस में ओके, यानी गियर कम करूँ. यानी ये तो बहुत स्लो वाला हो गया. ओके, ओके, ओके.
हाँ मेरे से पहले सेवन्थ गियर पे था, अभी एट पे करना चालू किया। ओके गाइस, अभी हम लोग एरोली ब्रिज पर है, एरोली मुलुंड लिंक रोड। सो लेफ्ट साइड में वाशी ब्रिज, काफ़ी दूर है, दिख नहीं पाएगा शायद। और सामने जो आपको एरिया दिख रहा है, दैट्स नाहूर मुलुंड कांजूरमार्ग विक्रोली। और आप लोगों को देवना डंपिंग ग्राउंड भी दिख रहा होगा लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर देखेंगे तो, टूवर्ड्स वाशी ब्रिज। We have completed Airoli Bridge. लगभग 1.5 मिनट से पैडल नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्लोप धीरे धीरे हो रहा है। और अभी हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ज्वाइन करने वाले हैं, इट्स 7:55 एज ऑफ नाउ। तो यानी अप्रॉक्स 8:30 बजे तक घर पहुंच सकता हूं मैं, क्योंकि अप्रॉक्स, क्योंकि अभी तक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमने टच नहीं किया है। मैं लगभग इधर ही खड़ा था जब आपका फ़ोन आया था। हाँ इधर था मैं, ऑलमोस्ट इधर ही खड़ा था जब आप लोग का फ़ोन आया, फिर आपने बोला पीछे। मैं वही तो बोला, मैं बोला मैं बस ब्रिज टोल के आगे खड़ा हूँ, ब्रिज चढ़ने वाला हूँ अभी एरोली वाला। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोला टूवर्ड्स एरोली, क्योंकि माइंड स्पेस मेरे को पता नहीं इधर है। नहीं नहीं, गर्म मसाला तो पीछे ही है ना, ये जहाँ पे आपने बोला ना चाय के लिए चलो पीछे यू टर्न मारते हैं, तो उसके थोड़ा आगे बस गर्म मसाला था। हमें भी पीछे है, मैं बोला अरे दिखे नहीं। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं फिर मुलुंड टोल बोलता था। नहीं नहीं और मेरे को इधर पेड़ों के से दिखे भी नहीं कि आप लोग यहीं से रिटर्न जा रहे थे।
सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. अभी जो सामने वाला ब्रिज दिख रहा है तो वहाँ से लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स चेंबूर, राइट गोज टुवर्ड्स थाने, कल्याण, नासिक. जो हमने डी का इतना कुर्ला के साथ किया था राइट, जो राइट वाला रास्ता है वही है. उसे नारियल पानी भी पीना है मेरे को, बट आराम से घर पे मस्त नाश्ता करेंगे उसके बाद नारियल पानी पियेंगे. सो नाउ वी आर टचिंग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. फुल ग्रेवल, इतना भी ग्रेवल नहीं वैसे, बट ग्रेवल साइकिल है तो उसका बेनिफिट मिल गया मुझे. और ऋग्वेद सामने खड़े हैं, सैम भी ज्वाइन हो गए हैं एंड यू विल डिपार्ट. सर शायद फास्ट बोले. मुझे पैड्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है, शॉर्ट्स जो है गर्म हो जाता है. तो पैड्स वैसे बहुत कंफर्टेबल है लेकिन धूप और पसीने की वजह से ये भाई साहब थोड़ा अलग लेवल का नशा कर लेता है. सो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ले रहे हैं. आजा आजा भाई. तो सर्विस रोड के बदले हम लोग मेन एक्सप्रेस हाईवे ले रहे हैं. और ये टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा क्योंकि सुबह सुबह को लोग ऑफिस जाते हैं. सो ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड. सो 8 बज चुका है एंड वी आर एट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. आई होप बाई 8:30 हम लोग पहुँच जाए, नहीं तो 8:45 तो पहुँच ही जाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा गियर कम करके हम चला रहे हैं. और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो भाई संभाल के चलाने, ट्रैफिक ये टाइम पे ज़्यादा रहेगा, कट मारने वाले ज़्यादा मिलेंगे. और मुझे ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं करना है. ओह 30 का स्पीड ले लिया. लास्ट टाइम यहीं पे बहुत बारिश हुई थी जब संडे को हम लोग योर हिल्स करके आए थे, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी. उसके बाद बहुत ही स्लो हमें राइड करना पड़ा, कीचड़ तो बहुत उड़ गए थे. और मेरा हाथ भी थोड़ा सुन टाइप हो गया कि बहुत देर से वही पोजीशन पे हैंडल को पकड़ रहा हूँ.
एंड आई थिंक सो अभी भी हम लोग ब्रिजेस लेंगे. ओके 373 हमें शो भाई साहब हमें हाईवे पे मिलता ही है. ये बस भी अपने तरीके जाता है. ट्रैफिक आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा है. अर्ली मॉर्निंग का ट्रैफिक रहता है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में. और ट्रैफिक के कारण मुझे ये नहीं पता चला उन्हें लेफ्ट लिया है या स्ट्रेट जा रहे हैं ब्रिक्सिस लेके. बट आई बिलीव हम लोग स्ट्रेट ही जा रहे हैं ब्रिजिस ले लेके. ऑलमोस्ट कांजूर मार्ग भी हम लोग पहुँच रहे हैं अभी. एंड आई कैन सी सैम. कांजूर गांव आ चुका है. बस पिकअप ले लेते हैं. हालांकि रोड थोड़ा बम्पी होता है ज़्यादातर साइड्स में बट इट्स फाइन. और मैं ब्रिज लेने का तो प्लान कर रहा हूँ. लेट्स होप ब्रिज पे ट्रैफिक का तो शायद ना लूँ क्योंकि ट्रैफिक पे तो भाई ज़्यादा रिस्क होगा मेरे लिए. कभी भी पेडल स्लिप हो जाता है तो रुक रुक के चलाते और चढ़ाई के टाइम पे तो और ज़्यादा रिस्क है. हालांकि जो ब्रिज है मेरे ख्याल से ओनली वन वे वाला है तो यह ब्रिज तो नहीं चढ़ पाऊँगा.
यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ द सिग्नल, और सैम सामने ही है। सो राइट साइड इज हवाई LBS रोड कांजूर मार्ग स्टेशन, और वैसे नेक्स्ट हाईवे के लिए भी ये राइट मार देने का। बहुत ही बम्पी रोड है भाई, ऐसा लग रहा है ब्रिज के ऊपर ही चढ़ रहे हैं। एक छोटा सा हॉल्ट लेता हूँ आगे, विक्रोली पुलिस स्टेशन स्टॉप आया है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बिकॉज मुझे डिहाइड्रेट नहीं होना है। थोड़ा मेरे कैमरे को भी शायद पानी लग गया होगा। ओके सो वी आर रेडी। लेट्स गो, इट्स 8:10। आठ बज के 10 मिनट हो चुका है और बाय 8:45 आई एम एक्सपेक्टिंग टू रीच होम। हालांकि 8:30 भी पहुंच सकता हूँ, बट आराम से, कोई हाई नहीं है। 5-10 मिनट लेट चल जाएगा मुझे। और एक ब्रिज लेता हूँ, बस वाला थोड़ा दबा रहा है तो भाई चलो ठीक है, बस वाले ने भी थोड़ा साइड लिया है क्योंकि हमें ब्रिज लेना है। तो हम ऐसे राइट वाला ब्रिज लेंगे अभी। ब्रिज भी ऐसे चढ़ जाएंगे क्योंकि हाफ ऑफ द ब्रिज हमें ऑलरेडी चढ़ चुके थे,
वो छोटे ब्रिज से, और बाकी थोड़ा सा जो क्लाइंब है वो भी इजीली चढ़ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सो लेफ्ट इज करमानगर, राइट इज विक्रोली स्टेशन। सो ट्रैफिक की वजह से पॉसिबिलिटी सर है मुझे कट मार मार के लोग जाएंगे, पर यार साइकोलॉजी का भी रिस्पेक्ट करो यार। ब्रेक माना जरूरी था क्योंकि ग्रेवल्स बीच में बहुत सारे थे। अभी हम लेफ्ट साइड से ही चलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। तो भाई सामने प्लेन जा रहा है एमिरेट्स, बहुत ही बड़ा प्लेन रहता है इनका। एमिरेट्स अभी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर रहा है। हालांकि हाईवे पे हमें ज़्यादा देर दिखता है प्लेन, यहाँ पे पेड़ों के लिए सेतु नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन भी करूँगा, फिर टायर्डनेस तो है थोड़ा मुझे अभी, जितना ताकत हो उतना चलाऊँ। ओवर तो करना नहीं भाई, बिना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही। वॉच में देखो तो भाई 100 के ऊपर ही चल रहा है। आज का जर्नी भी देखूँ तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बता रहा है, फिर भी 40 प्लस किलोमीटर का राइड रहा है हमारा आज का। ये स्टार्टिंग में तो मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था, स्ट्रावा हमें बता देगा क्योंकि मैंने स्टार्ट से लिया था अपने वॉच पे, मैंने स्ट्रावा का ऑन किया मोबाइल पे नहीं। ये भाई साहब वैसे कट मार के जाते हैं। 30 का स्पीड फीड ले लिया हमने।
सो हाईवे पे हम लोग का ऐसे भी ट्रैफिक मिलता है इसलिए हम सर्विस रोड से चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कट मार के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कोई सिग्नल है कुछ ब्लॉकेज टाइप भी मिलेगा, हाईवे पे उनको सिग्नल्स मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट 8:20 हो चुका है, तो आई एक्सपेक्ट कि शायद घर पे मैं 8:40-8:45 तक पहुंच जाऊं। तो थोड़ा धूप के वजह से मेरे को बार बार डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है और बीपी का भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आगे फिर एक बार साइड में रोक के थोड़ा पानी पी लूँगा। इसलिए मैं 3-3 बॉटल्स कैरी कर रहा हूँ, एक में तो इलेक्ट्रोलाइट्स रखता हूँ, मेरे बॉडी से काफ़ी सॉल्ट लॉस होता है तो उसका भी बहुत ज़रूरत होता है। सो नाउ वी हैव ब्रिज घाटकोपर ब्रिज, राइट साइड इज घाटकोपर डिपो LBS मार्ग। सो यहाँ से 20 मिनट लगभग लग गया घर पहुँचने के लिए, लगभग 20 मिनट। सो वैसे तो 8:40 पहुँचना चाहिए, बट आई विल एज्यूम 8:45 कंसिडरिंग द ट्रैफिक। तो ये सर्विस रोड का एक बेनिफिट ये है कि सिग्नल नहीं लगता, कंटिन्यूस चलते जाओ। और पॉसिबिलिटी के रमाबाई का ब्रिज लूँगा, रमाबाई, और इस बार छेड़ा नगर का जो ब्रिज है वो भी लेने वाला हूँ। सो आगे इंटरसेक्शन से थोड़ा पहले रोक के पानी पी लूँगा। ये ब्रिज भी लेना सही रहता, बट ट्रैफिक आप देख लेना, तो देखो अभी ट्रैफिक सामने ही दिख रहा है, इसलिए हमने ब्रिज नहीं लिया था क्योंकि ऑलमोस्ट उतना टाइम लगता और ब्रिज चढ़ने का जो एफर्ट्स होता वो भी ज़्यादा ही होता उसमें। तो देखो कैसा गाड़ियाँ रुकी हुई है थोड़ा ट्रैफिक के कारण। यहाँ पे आगे साइड में हम रोक देते हैं एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेता हूँ, ट्रैफिक तो मिलेगा ही, तो ठीक है यहाँ से 20 मिनट मैक्सिमम। Yeah।